सोनी जल्दी कर। हाँ हाँ छेती करो यार, लेट हो जाओगे। अंगद जल्दी से पता करे वो टिकट कन्फर्म हुई कि नहीं। हाँ दादाजी एक सेकंड। ये रहे अंश के दोनों बैग। अरे इतने छोटे से अंश के दो दो बैग। हाँ जी पापा जी, इसके कपड़े, खिलौने, डायपर, मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या है इसमें। हाँ उसके गरम कपड़े भी रख दिए हैं मैंने। वेरी गुड। पापा ये क्या क्या हुआ? चार्ट निकल गया लेकिन हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई। क्या टिकट कंफर्म नहीं हुई? और तूने तो कहा था पक्का हो जाएगी। नहीं ये और किससे कराई यार? दादाजी ऑनलाइन था ये तो। अरे यार मैंने तुझे पहले ही कहा था एजेंट से करवा, मेरी सुनता कौन है यहाँ पे? अरे आपने कहा होगा, मतलब ये लुधियाना कैसे जाएगी अमृता? भाभी की कजन की एंगेजमेंट है, जाना तो जरूरी है ना। भाभी रियली सॉरी, तीन वेडिंग लिस्ट थी, मैंने सोचा कंफर्म हो ही जाएगा ये तो। तू ना बस सोचा मत कर अंगद, मैंने तुझे पहले ही कहा था। पापा जी आराम से, अंगद पे गुस्सा करके क्या फायदा? अभी ऐसा कोई सीजन भी नहीं है, फिर कैसे कंफर्म नहीं हुई? अरे वो बात बाद में है मम्मी जी, पहले ये सोचिए कि अमृता लुधियाना कैसे जाएगी। मैं कुछ करता हूँ, शाम की कोई ट्रेन होगी चेक करता हूँ। जा देख यार। हाँ, अभी रियली सॉरी। शाम अरे आप लोग निकले नहीं अभी तक? टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ अभी तक। क्या? अरे अंगद तुमने तो कहा था कि कंफर्म हो जाएगा। मैंने भी अपना जैक लगाया, ये पीएनआर नंबर कहीं गलत तो नहीं दे दिया था तुमने मुझे? हाँ पीएनआर नंबर सही था। ओए अगर पीएनआर नंबर सही था तो कंफर्म क्यों नहीं हुई टिकट? आप इतना भड़क क्यों रहे हो? कमाल करती है ने मुझे आप। वो अमृता पुत्र को लुधियाने जाना है, सामान रेडी पड़ा हुआ है, टिकट कंफर्म नहीं हुई, वो एंगेजमेंट है जस्सी की, वहां पे कुलजीत वेट कर रहा है। ठीक है ना, तू इतना गुस्सा ना कर, सोचने दे ना। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो मेरे साथ चलिए, मैं भी लुधियाने जा रहा हूं। अच्छा हा? आप भी लुधियाना जा रहे हैं? हाँ अरे मैंने तुमको बताया तो था थोड़ी देर पहले। क्या बोलते हो साथ चलते हैं? अरे बाय रोड निकलते हैं। पुत्र मुझे ना हाईवे सेफ नहीं लगता है, और अंश भी तो है ना साथ में। हाँ गुनी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ वो रोड से नहीं खतरा होता है। अरे आप फिक्र मत करिए आंटी जी, मैं बहुत सेफ गाड़ी चलाता हूं, और ये अंगद भी है साथ में, तुम भी सेफ ही चलाओगे ना? हाँ मगर मैं नहीं जाऊंगी बाई रोड से। अंगद तू देख अगर कोई शाम की दूसरी गाड़ी है तो। हाँ अंगद ऐसे ही कर ले, ट्रेन ही देख ले, वरना इनको तो डर लगता होगा ना रोड ट्रिप से। हेलो, आपको किसी ने बोला क्या बीच में बोलने को? और मुझे कोई डर वर नहीं लगता है रोड ट्रिप से। हाँ अच्छा तो फिर चलिए। ओह आपको रोड सिकनेस होगी, और डायरिया वॉमिटिंग वो सब ना, रहने दीजिए आप मत चलिए। आप अगर रास्ते में बीमार हो गए तो फिर तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। अरे आप समझते क्या है मुझे, मुझे कोई रोड सिकनेस नहीं है, आपसे 10 गुना ज्यादा रोड ट्रिप की है मैंने। अच्छा कुल्लू मनाली के घूमते हुए पहाड़ों पर भी कभी रोड सिकनेस नहीं हुई मुझे। हाँ 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 अरे हमारी अमृता रोहतांग पास तक जा चुकी है। अच्छा है ना हमारे करण के साथ, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए आपकी बहन की एंगेजमेंट है, मिस हो जाएगी।
और मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा। यंगत भी है साथ में, बाकी आपकी मर्जी। भी जाना तो है ही ना? भाभी शाम की ट्रेन में भी सीट नहीं है। चले जाओ ना भाभी गाड़ी से ही। अच्छा तो है, मतलब जहाँ चाहो वहाँ रुक सकते हो, चाय पी सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, और फिर अपनी बहन की मंगनी कैसे मिस कर दोगे आप? अमृता बतरे, देख अगर तुझे कोई मसला नहीं है ना तो हमें तो कोई एतराज नहीं। वो सब सामान भी तैयार है और वहाँ कुलजीत और सरोज इंतजार भी तो करेंगे, क्यों निम्मो? हाँ वो तो है। निम्मो जी जाने दीजिए उनको। भाभी चलते हैं। गाड़ी अंगद चलाएगा। मैं अंश के बिना इतने दिन तक कैसे रह पाऊंगी? कंट्रोल करो निम्मो जी। अरे कुछ ही दिनों के लिए तो जा रहा है अंश। मामी जी ये कुछ दिन तो मेरे लिए भी भारी पड़ने वाले हैं। पता नहीं मैं आप सबके बिना इतने दिन कैसे रह पाऊंगी। ये देखिए अभी तक तो शाम की ट्रेन की टिकट भी बुक कराने को तैयार थी मायके जाने के लिए। आप चुप रहेंगे प्लीज? बिल्कुल। काश आप सब लोग भी आ पाते जस्सी के एंगेजमेंट में। अमृता पत्थर हम लोगों को लेकर कहाँ कहाँ घूमती फिरेगी? ओ पुत्र शादी तो यही होनी है ना दिल्ली में, उस शादी में हम सब शामिल होंगे ही ना। हाँ हाँ, और या फिर तुम उससे एक वादा कर दे कि वहां पहुंचकर मेरा तू एक एक्ट करवाएगी, क्या है तो मैं अभी सामान पैक कर दूं क्यों? अरे यार ओ महा असफल कलाकार जी, अपनी फुदकती भावनाओं पे ना नियंत्रण रखिए। साला मोंटी का रह गया। के लिए आईटी करें सको जाएगी। जय बात परफेक्ट। सिर्फ नाम बदल लेने से तो करण सखुजा नहीं बन जाएगा। अगर बनना किसे प्यारे है, मैं सिर्फ करण सखुजा और अमृता सखुजा की आड़ में लुधियाने में घुस रहा हूँ और वो साले बेदी की नाक के नीचे से। हाँ लेकिन साथ में अंगद भी, उसे कोई शक हो गया तो? अरे कोई शक नहीं होगा अंगद को, और मुझे अंगद का कोई डर भी नहीं है। डर है तो वो मैडम जासूस का। वैसे यार तू ठीक नहीं कर रहा है, मैडम जासूस का इस्तेमाल कर रहा है तू। तू इमोशनल क्यों हो रहा है? ये बड़े बड़े काम करने के लिए ना छोटी मोटी बेईमानी करनी पड़ती है। दोनों के लिए फेयर डील है। मुझे एक परफेक्ट ढाल मिल रही है और उनको लुधियाना छोड़ने के लिए कोई चाहिए था जो मैं बिल्कुल सेफली करूंगा। उसके बाद हमारे रास्ते अलग, उनका रास्ता अलग, अंडर कवर वर्क है। यहाँ सैकड़ों चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ती है। इस्तेमाल सारा भाई तुझे समझना बहुत मुश्किल है। कभी तो एकदम सॉफ्ट होता है, कभी एकदम रूथलेस। क्या समझना है? और रूथलेस नहीं होऊंगा तो अपनी ड्यूटी कैसे करूंगा? ओ, यहाँ हैं आप, सब आप ही को ढूंढ रहे हैं। आइए सामान लोड कर दिया है। चलिए आइए। ते कहाँ गायब हो गए थे आप? अब चलिए। ये देखिए, ये अभी से ऐसे बात कर रही है जैसे कि मैं ड्राइवर हूँ। ओ नितिन मोंटी, तुम दोनों भी जा रहे हो? नहीं बीजी। नहीं बीजी नहीं। ओ चलो पुत्र गड्डी में बैठो, ओ जल्दी निकलोगे तो शाम तक पहुंच जाओगे ना लुधियाने। हैं? चलो चलो चल पुत्र सामान रख। बच्चा अपना ध्यान रखी। जी मम्मी जी। पहुंच के फोन करना। देखिए
आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बहू रानी को बिल्कुल सही सलामत उनके घर पहुंचा दूंगा। ओए प्रीतम पुत्र, अब हमें अमृता की नहीं तुम्हारी चिंता हो रही है। अमृता को जानते नहीं अभी तुम। अब चलिए। एक सेकंड, बॉस का कॉल है। गुड आफ्टरनून सर। व्हाट? या यस सर, बट हाउ इज दिस? आई नो यस सर, मैं बस अभी निकलने ही वाला था सर, बट मेरी भाभी को लुधियाना पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। नो नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड सर। ओके सर, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके, लेट मी जस्ट स्पीक टू माय भाभी सर। ओए अंगद, क्या हुआ? पापा इमरजेंसी है, वो ऑफिस में आईटी की रेड पड़ गई। क्या? हाँ, और सारी मेन फाइल्स मेरे पास है और मुझे ऑफिस जाना होगा। पर फिर अमृता कैसे जाएगी लुधियाने? हाँ भाई, आप ना बॉस को ही मना कर दो। नहीं नहीं अंगद, तू ऑफिस जा। नहीं, पर तेरा लुधियाना जाना भी तो जरूरी है ना पुत्र, और नौकरी है तो क्या मतलब, घर की जिम्मेदारियां छोड़ दे आदमी। पर बीजी, अभी इसके बॉस को उसकी जरूरत है, और मत भूलिए कि उन्होंने अंगद को उस समय पर नौकरी दी थी जब उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। अमृता पुत्र, ये भी तो इमरजेंसी है ना? अब पापा जी, इतनी भी इमरजेंसी नहीं है। अरे वहां इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी है, ऑफिस सील हो सकता है। अंगद, सिन्हा सर तुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। अरे दिवाली पे इतना बड़ा गिफ्ट दिया उन्होंने तुझे, वो तुझे अपना मानते हैं। तुझे जाना चाहिए ऑफिस। अगर अंगद ने जाने से मना कर दिया तो मैडम जासूस भी नहीं जाएगी, प्रीतम का पूरा प्लान फेल हो जाएगा यार। अमृता बिल्कुल सही कह रही है पत्थर, आदमी को अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जा तू ऑफिस जा। भाभी, फिर आप किसके साथ जाओगे? नहीं तो मैं छोड़ दूंगा ना इनको, और क्या। अरे कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने कहा था कि मैं परिवार का हिस्सा हूं, तो इतना तो फर्ज बनता है अब मेरा। या आप लोगों को मुझ पे भरोसा ही नहीं है? नहीं। अरे साड़ी पहना के नचा दिया आप लोगों ने, अब भी भरोसा नहीं है क्या? सही कह रहा है प्रीतम। अरे भी मसला क्या है, अगर प्रीतम पहुंचा दे तो हमने इसे परिवार माना है, तो भाई इतना भरोसा तो करना ही होगा ना। बिल्कुल दादाजी, भाई मैं तो परिवार मानता हूँ आप लोगों को। हम भी आपको अपनी फैमिली मानते हैं। वेरी गुड। और फैमिली को तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना, अब आई मीन सुख दुख में। अब मम्मा, अब भाई नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ भाभी के साथ लुधियाना। हाँ हाँ चलो। हाँ तू चली जा अमृता के साथ। सोनी वहां जाके क्या करेगी नीमू जी, अरे एग्जाम्स चल रहे हैं उसके। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम रहने दो, और अगर आपको मुझसे डर लगता है तो आप भी मत बैठिए गाड़ी। माना कि आपकी शक्ल गुंडे जैसी है, पर मैं डरती वरती नहीं हूँ आपसे। अच्छा, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप ही के साथ जाऊंगी,
मम्मी जी आप टेंशन ना लो, मैं हैंडल कर लूंगी इन्हें। ओए कमली, किचन में से एक रॉड लाके रख देना गाड़ी में। हाँ भाभी, और अगर कुछ भी बदतमीजी करे ना तो वही सर पे दे मारना। अच्छा देखिए, हालात ने आपको मेरा ड्राइवर बना ही दिया। उतर जी। सोनीपत हाईवे होकर तो जाएगा ना, तो वहां ना मुरथल में लाइन से ढाबे है, खाना वही खाना, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल दादाजी। और सुन जी, पानीपत में ना एक लस्सी की बड़ी फेमस दुकान है। अच्छा, लस्सी वहीं पीना। बिल्कुल दादाजी। मैं छोड़ 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 क्या कर रहे तुम, छोड़ ना। ए छोड़ छोड़। क्या हुआ? अब चलिए, शाम होने से पहले पहुंचना है मुझे अपने घर। ये देखिए, अभी यही कह रही थी कि आप लोगों के बिना मैं कैसे जीऊंगी, इनको देखिए। आप चुपचाप गाड़ी चलाइए प्लीज जी। अरे दोनों लड़ते मत रहना, हंसी खुशी जाना। बिल्कुल दादी। बाय मम्मी जी पापा जी। बाय प्रीता पुत्र। वाहेगुरु मेहर करी, मेरी अमृता और अंश अच्छे से पहुंच जाए लुधियाना। जिंदगी मेरे घर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।